वरिष्ठ नगर विधानसभा क्षेत्र खानपुर प्रखंड में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ी। कुशवाहा जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, जब कोविड के दौर में लोग बाहर से आ रहे थे तब नीतीश जी ने बोला था कि हम बाहर से आ रहे लोगों को घुसने नहीं देंगे। आपको बता दें कि वरिष्ठ नगर विधानसभा क्षेत्र से बीके सिंह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इससे पहले भी बीके सिंह ने दो बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें निराशा हाथ लगी। चुनाव का मौसम है, यहाँ नेता लोग जोर शोर से आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो कि इस बार इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि किसको वोट देंगे और क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे के हिसाब से ये वोट डालेंगे। क्या नाम हुआ आपका, किसको वोट दीजिएगा? मुद्दा क्या रहेगा? जिन्होंने बीके सिंह के लिए गीत गाया है, आइए सुनते हैं गीत। सुन भैया हो, सुन बहिनी हो, हाथ जोड़ी ले पड़ी पहिया हो। सुन भैया हो, सुन बहिनी हो, हाथ जोड़ी ले पड़ी पहिया हो। नेता नहीं यह बेटा है, नहीं को विधायक बनाना है, तो सीधे पंखा पर बटन दबाना है, बीके सिंह जी को जिताना है। अले भैया चुनावी रन में होई विकास वाली नगर में, रालोसपा ने दिया जिम्मेवारी है, सब विरोधी पब्लिक के भैया भारी है। अपना घर का बेटा है, नहीं को विधायक बनाना है, तो सीधे पंखा पर बटन दबाना है, बीके सिंह जी को जिताना है। भैया जी को जिताना है, भूलिएगा नहीं, नहीं भूलिएगा। यूट्यूब पे आ जाएगा आपका, यूट्यूब पे नीतीश जी के लिए गाना। यही ना, इसीलिए मैं नहीं गाया कि नीतीश जी आज तक हमको कुछ दिए नहीं, यहाँ तक कि भूखमरी भी दे दिए, लेकिन ताली माया ही बात। ताली माया, लोगों का उत्साह देख सकते हैं। यहाँ पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आने वाले हैं। भीड़ जो आप देख रहे हैं इस वक्त कैमरा पर देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।